हाय फ्रेंड्स, आज मेरे पास है मैकबुक एयर A1 466। नो बैकलाइट इश्यू है, देख सकते हैं एकदम हल्का सा ऐप लो शो कर रहा है। चलो फ्रेंड्स, खोल के देखता हूँ। फर्स्ट हम लोग को चेक करना है डिस्प्ले कनेक्टर का एक एक कनेक्शन का वैल्यू वन बाई वन। सारे कनेक्शन तो नॉर्मल दिखा रहे हैं, डायोड वैल्यू भी नॉर्मल है। अभी उसका आजू बाजू में जितना भी कंपोनेंट्स है उसमें सब सही वैल्यू आ रहा है कि नहीं चेक करना है। सारे कंपोनेंट्स में नॉर्मल वैल्यू आ रहा है। फ्यूज़ चेक कर दिया, फ्यूज़ भी बराबर है। अभी बैकलाइट आईसी के बाजू में जितना भी कंपोनेंट्स है वो बैकलाइट आईसी से बराबर कनेक्शन आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करता हूँ। एक एक कंपोनेंट्स चेक करना है हम लोग को, जो आईसी से जितना भी कनेक्शन जा रहा है उसके वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं देखना है। इधर भी वैल्यू बराबर आ रहा है। आईसी के जितना भी कनेक्शंस डिस्प्ले कनेक्टर के बाजू में जो पॉइंट्स दिख रहा है उधर भी आ रहा है, तो उधर भी वैल्यूज भी बराबर है। चलो अभी आईसी के बाजू में बाकी जितना भी कंपाउंड है उसका भी वैल्यू मेजर कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये जो दो कैपेसिटर लगाए हुए हैं दो पॉइंट से, उसके जो आईसी के दो पॉइंट से जो कैपेसिटर का कनेक्शन जाता है उधर वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब आईसी में इश्यू है, आईसी हम लोगों को चेंज करना है।
भाई जी का लेग भी देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर लग चुका है। अभी जो कपल स्ट्रेच चेक करता हूँ, वैल्यू नॉर्मल आ रहा है कि नहीं। वैल्यू नॉर्मल आ रहा है। अभी मैकबुक खोल के हम लोग को मतलब स्टार्ट करके चेक करता हूँ, एग लाइट आ रहा है कि नहीं। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों एकदम ब्राइटली आया, मतलब रिपेयर हो गया है।